हेलो एवरीवन वेलकम टू जी सेंट्रिक सो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड सीरीज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन दैट वाज आस्क इन द 2020 पेपर 2020 में गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया था चलिए तो स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप फटाफट फड़ से नोट कर लें एक बार एंड यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू सी इफ द ओपेम्स इन द सर्किट शोन आर आइडियल ओके यहां पर दो ओपैम दिखाए गए हैं तो आप किसी को भी उपाय वन और टू बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोला ए वन है ये ओपैम ए टू है ओके okay? और बोला गया है कि ये दोनों कैसे उपाय हैं आइडियल हैं और आपको वी एक्स की वैल्यू यहां पर दी गई है पॉइंट फाइव मिली बोल्ट ध्यान दीजिएगा वी एक्स यहां पर माइनस प्लस कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू आपको मैंशन की गई है कितनी पॉइंट फाइव मिली बोल्ट स्टी स्टेड वैल्यू ऑफ वी नॉट इन बोल्ट राउंडेड ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस इज आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट वी नॉट है इसकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी मतलब आउटपुट एट इक्वल टू इंफिनिटी बोले लॉन्ग टाइम के बाद किस वैल्यू पर स्टडी स्टेट हो जाएगा कॉन्स्टेंट बना रहेगा क्लियर है आपको यही पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर तो स्क्रीन को पॉज करके आपने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा और आप सभी ने एक बार ट्राई किया होगा चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को नोटिस करें तो आप एक चीज समझिएगा यहां पर ये जो opam a2 कनेक्टेड है दैट opam इज अ सिंपल इंटीग्रेटर सर्किट ओके ये कैसा सर्किट है एक इंटीग्रेटर सर्किट है अच्छा opam पर जो इनपुट आ रहा है वो इस पहले वाले a1 opam से आ रहा है हमने मान लिया कि इसका आउटपुट v01 है अगर आप फर्स्ट opam को नोटिस करें तो आप यहां से आउटपुट इसका जो है वो इंटीग्रेटर के थ्रू जा रहा है वापस फीडबैक में तो ये डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड है जो उपाय ए वन है वो किस तरह से कनेक्टेड है पॉजिटिव फीडबैक से कनेक्टेड है देखिएगा ध्यान से वी नॉट वन जो आउटपुट है वो इंटीग्रेटर सर्किट के थ्रू यहां पर प्रोवाइडेड है इसको आप कुछ भी नोड बोलते हैं हमने बोल दिया चलो ये वी एक्स है तो इसको वी वाई मान लेते हैं ये नोड हो गया वी वाई अब जो वी वाई नोड है वो इनडायरेक्टली कहाँ पर अप्लाई है नॉन इन्वर्टिंग नोड पर अप्लाइड है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि जो ए वन उपायम है वो पॉजिटिव फीडबैक उपायम है यानी कि आपने एक चीज समझी यहां से सर्किट से कि जो ए टू है वो एक इंटीग्रेटर सर्किट है वॉट इज ए टू A2 ए टू इज अ इंटीग्रेटर और जो ए वन है वो पॉजिटिव फीडबैक उपाय है अच्छा पॉजिटिव फीडबैक में जब उपैम ऑपरेट करता है सो वी नो दैट वन थिंग उपैम ऑपरेट्स इन द saturation रीजन ओके यानी कि हैंस पॉजिटिव फीडबैक उपैम उपैम ऑपरेट्स इन ऑपरेट्स इन saturation रीजन तो so, दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक में जब भी उपाय ऑपरेट करता है तो वो कहां ऑपरेट करता है सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करता है और एक चीज आप बोल सकते हैं जब सेचुरेशन रीजन में उपाय होगा तो इसका आउटपुट आइदर क्या होगा प्लस वी सेट और क्या होगा माइनस वी सेट होगा ओके उपायम ऑपरेट इन सेचुरेशन मीन्स आउटपुट हैविंग ओनली टू पॉसिबिलिटीज प्लस वी सेट और माइनस वी सेट सिंपल सो वी नॉट वन हमने यहां पर नोटिस किया जिसकी वैल्यू हो सकती है पर्टिकुलरली

इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट वन dt इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन अभी हमने इसको सॉल्व करना शुरू नहीं किया अभी हम सर्किट के जो कंपोनेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे क्या फंक्शनिंग है उनकी इसको हम समझने की कोशिश अभी कर रहे हैं सिंपल v नॉट इक्वल टू हमने क्या लिखा माइनस वन ऑफ आर सी इंटीग्रेशन वी नॉट वन डी टी ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है इंटीग्रेटर को आप आसानी से यहां पर अगर समझना भी चाहें तो इस नोट पर आप केसिया लगा दें ओके सम ऑफ ऑल आउट गोइंग करेंट इक्वल टू जीरो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी ओके okay? और हालांकि मैंने क्लासरूम में इसको पूरे को डिस्कस किया भी है ऑलरेडी तो वहां से भी आप डायरेक्टली समझ सकते हैं सो so, ये हो गया वी नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट वन डी टी इसको हमने कंसिडर किया एज अ इक्वेशन नंबर वन इतनी बात बार आ गई आपको हमने ये समझ लिया है कि यहां का जो आउटपुट है उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं प्लस माइनस बी सेट और सेकेंड जो सर्किट उपैम का है ए टू वो यहां पर एक्ट कर रहा है डेफिनेटली इंटीग्रेटर सर्किट है अब जरा इनिशियली कुछ इसमें मेंशन नहीं किया गया है मतलब इनिशियली तो कैपेसिटर चार्ज्ड है सो दोस्तों इनिशियली अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो यहां का वोल्टेज जीरो ड्रॉप होगा कैपेसिटर के टर्मिनल्स पर वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हैं वी नॉट इक्वल टू जीरो होगा यानी कि अगर मैं इस सर्किट को नोटिस करूं एट टी इज इक्वल टू जीरो तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो वीनोट है उसकी वैल्यू क्या होगी जीरो बोल्ट हो क्या ये बोलना सही है बिल्कुल बोल सकते हैं इनिशियली कैपेसिटर इज इजार्ज ऐसा मेंशन कहीं है नहीं कि कैपेसिटर चार्ज है क्या है तो हम क्या मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट कंसिडरेशन क्या रखेंगे कैपेसिटर इज अनचार्ज अगर अनचार्ज है तो वीनोट की वैल्यू कितनी होगी जीरो वोल्ट होगी तो ये हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया इतना एनालिसिस क्लियर है सभी को चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन में पर्टिकुलर की जहां जहां वोल्टेज की वैल्यू हम डिटरमाइन करना चाहते हैं ध्यान दीजिएगा अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है रिक्वायर्ड वी वाई की अच्छा वी वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहां पर एक नोड वी नॉट कनेक्टेड है एक करंट यहां से इधर चला अब उस करंट को एक इधर जाना चाहिए एक इधर जाना चाहिए लेकिन उपैम कैसा दिया गया दोस्तों आइडियल उपैम है मीन्स देयर विल बी नो करंट इन टू द उपैम यानी कि इस ब्रांच में कोई करंट जाना नहीं है यहां करंट कितना आ गया जीरो इंटू दिस ओपैम करंट इज इक्वल टू जीरो अगर यहां करंट जाने रहा मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस 99.9 किलो ओम रेजिस्टेंस और दिस 100 ओम रेजिस्टेंस बोथ विल बी इन द सीरीज क्या ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे मतलब इस V नॉट के लिए ये V बाई जस्ट वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन गया ओके okay, आप के लगा के भी इसको आंसर कर सकते हैं वी बाई माइनस वी नॉट अपॉन नाइनटी के प्लस वी बाई माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड ओम ऐसे भी आप सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा और डायरेक्टली मैं अगर वोल्टेज डिवीजन लगा दूं तब भी वही आएगा क्या इक्वेशन बनेगी वी वाई की वी वाईल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट टाइम्स यहां पर हंड्रेड इन ओम है तो इसको किलो ओम में लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन किलो ओम है तो ये हो गया इन किलो ओम पॉइंट पॉइंट वन सही है ओके पॉइंट वन डिवाइडेड बाय 99.9 प्लस 0.1 अब ये किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो वी वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई वी नॉट अपॉन कितना हो गया ये हो गया हंड्रेड पॉइंट वन वी नॉट अपॉन थाउजेंड दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन वी आर हैविंग नाउ ओके ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका रिलेशन uh, आ गया वी वाई और वी नॉट का अच्छा एक चीज बताइएगा आप जो A1 है वो पॉजिटिव फीडबैक है हुआ, v 0, तो उस कंडीशन में बी नॉट क्या आएगा प्लस बी सेट आएगा यानी कि जहां पर जो आउटपुट आ रहा है वी नॉट वन वो क्या आएगा प्लस बी सेट आएगा डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आएगा माइनस बी सेट आएगा बिल्कुल तो अब हमें नोटिस करना पड़ेगा इनके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग नोड के वोल्टेज को मान लीजिए मैंने इनवर्टिंग नोड को लिखा वी माइनस ऐसे और नॉन इन्वर्टिंग नोड को लिख दिया मैंने वी पॉजिटिव लिख सकते हैं पहले इतना इसको नोट करो आप नोट किया सभी ने इतना चलिए अब बात करते हैं पहला पैरामीटर वी माइनस अच्छा वी माइनस की वैल्यू क्या है सर्किट को देखो जरा आइडियल उपायम है मतलब करंट फ्लो कितना है उपाय के अंदर जीरो रजिस्टेंस के अंदर करेंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा मतलब का कितना होगा समझना जरा ध्यान से यहां पर माइनस प्लस वी यहां पर प्लस वी वाई है इस तरह से अगर आप बेसिक सर्किट लॉ की बात करें तो वी प्लस अगर हम यहां से देखो यहां से लेके इस नोड से लेके यहां तक ग्राउंड तक अगर लगा दें तो क्या इक्वेशन बन रही है? माइनस ऑफ दिस वी, माइनस प्लस इक्वल टू और आप कॉमन सेंस भी तो यहां का जो वोल्टेज है वो प्लस प्लस ये 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 होगा। यानी कि हम ये, और ये कैसे इनवर्टिंग नोड वोल्टेज इन्वर्टिंग नोड और ये हो गया दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग नोड ओके अब अगर हम सर्किट को रियलाइज करते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो सो अगर आप नोटिस करें एट टी इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू जीरो पर दोस्तों कैपेसिटर चार्ज है नहीं तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी जीरो वोल्ट होगी ओके और वी एक्स आपको दिया गया कांस्टेंट है कितना 0 तो टी इज इक्वल टू जीरो पर v नेगेटिव को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है तो जीरो वोल्ट ही रहेगा अच्छा v पॉजिटिव क्या होगा माइनस वी एक्स यानी प्लस वी वाई अच्छा वीवाई कितना होगा बोलो t इज इक्वल टू जीरो पर वी नॉट जीरो आएगा जीरोक्टली वी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड कैपेसिटर ज है तो वी नॉट की वैल्यू जीरो बोल्ट होगी अगर वी नॉट जीरो बोल्ट है तो वी बाई भी जीरो होगा वोल्टेज डिवीजन रूल से तो ये आया हमारे पास वी पॉजिटिव माइनस पॉइंट फाइव बोल्ट तो अगर आप यहां से नोटिस करें तो जो वी डिफरेंस हम लिखते हैं उसकी वैल्यू मुझे दिख रही है लेस देन जीरो करेक्ट है ओके तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वी नॉट वन है वो माइनस बी सेट होगा यस और नो ओके वी नॉट की वी नॉट वन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वी सेट ऑल राइट अच्छा वी नॉट वन अगर नेगेटिव आया तो जरा नोटिस कीजिएगा वी नॉट वन क्या है नेगेटिव है और माइनस वी सेट यानी कांस्टेंट है तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा एग्जैक्टली देखो यहां पर पुट करो फ्रॉम इक्वेशन वन नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन वी नॉट इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन आरसी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वी सेट सॉरी वी सेट डी टी ऐसे लिख सकते हैं और इनिशियली डिफाइन अगर हम कर रहे हैं तो ये प्लस वी सेट कॉन्स्टेंट है इधर आगे बाहर तो वी सेट अपॉन आर सी इंटू टी ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो गया वी नॉट आपको आउटपुट वोल्टेज की स्टडी स्टेट वैल्यू यहां पर पूछ ली गई है क्वेश्चन क्लियर है सभी को क्या पूछा गया आउटपुट वोल्टेज की स्टडी स्टेट वैल्यू कितनी आएगी तो वी नॉट हमारे पास आ गया सेट अपॉन अब अगर आप T is equal to 0 से हमने इसको ऑब्जर्व किया तो टी की वैल्यू को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे यानी कि टाइम स्केल पर अब हम आगे बढ़े जैसे हमने टी इज इक्वल टू जीरो सेवल टू जीरो पर हमने ये नोटिस किया फाइनली वी नॉट वन इक्वल टू क्या है ट है अब हमें यह देखना है कब यह स्विच होगा तो उसको समझने के लिए क्या करेंगे देखिए, टी की वैल्यू अगर हम बढ़ाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं नोट वन की वैल्यू कितनी है, v set है।, की कितनी है? V set है। अच्छा वी नॉट वन माइनस बीस सेट है तो हमने देखा कितना अब टी जैसे समय आगे बढ़ेगा तो टी की वैल्यू हमने इंक्रीज हो रही है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा टी तो अच्छा टी इंक्रीज हुआ तो वी नॉट बढ़ेगा अच्छा वी नॉट बढ़ने से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी बाई वी बढ़ेगा यस वी वाई भी बढ़ेगा ओके अच्छा वी वाई जब बढ़ेगा तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये फिक्स है वी एट नॉन इन्वर्टिंग नोड भी क्या हुआ बढ़ेगा v एट नॉन इन्वर्टिंग नोड भी बढ़ेगा अभी कंडीशन क्या है अभी कंडीशन है v डिफरेंस नेगेटिव आया है इसलिए माइनस वी सेट आया है ओके अब हमने देखा जैसे जैसे यहां पर कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग होगी तो वैसे वैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ेगी अब कैपेसिटर क्या होना शुरू हो चुका है चार्ज होना शुरू हो चुका है जैसे ही वी नॉट वन माइनस वी सेट हमने अप्लाई किया अब कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो अब जैसे जैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ रही है Vy की वैल्यू बढ़ रही है वी वाई की वैल्यू बढ़ रही है मतलब वी पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही है ओके okay. अब ध्यान से सुनिएगा नॉन इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज बढ़ने का मतलब है अगर इस वी वाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर इस वी एक्स की इक्वल हो गई मतलब पॉइंट फाइव मिली वोल्ट अगर हो गई तो उस कंडीशन में क्या ये वी प्लस जीरो हो जाएगा बिल्कुल जैसे ही वी प्लस जीरो हुआ तो इसके बराबर हो जाएगा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वी वाई की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन टू तो हो जाए लाइक टू पॉइंट जीरो 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 वन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या ये वी प्लस इस जीरो वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा अभी यहां पर क्या चल रहा है वी प्लस की वैल्यू जीरो वोल्ट से क्या है कम है माइनस पॉइंट फाइव मिली बोल्ट है अब जैसे ही ये वी माइनस से थोड़ा सा ज्यादा होगा वी प्लस की वैल्यू तो आउटपुट स्विच कर जाएगा वी नॉट वन स्विच कर जाएगा माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में ध्यान से समझिएगा कन्फ्यूजन यहां पर बहुत कॉमनली हो सकता है इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को स्लो में और आसानी से आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान समझिएगा स्टिल यू मे गेट कंफ्यूज डोंट वरी बट आप एक, एक पॉइंट को समझेंगे तो आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे देखिएगा टी बढ़ाया हमने वी नॉट की वैल्यू बढ़ गई वी वाई की वैल्यू बढ़ गई वी प्लस की वैल्यू भी क्या हो गई बढ़ गई यहां से वी प्लस की वैल्यू भी क्या हो गई इंक्रीज हो गई ओके okay, को बढ़ाया वी प्लस की वैल्यू भी क्या होगी बढ़ गई ओके अगर हम बोले कि इफ वी बाई विकम्स इक्वल टू पॉइंट फाइव मिली बोल्ट और मैं आपसे बोलूं इनफैक्ट मैं आपसे बोलूं कि इफ वी बाई बिकम्स स्लाइडली ग्रेटर देन पॉइंट फाइव मिली बोल्ट तो उस कंडीशन में जो वी नॉट है वो कितना हो जाएगा <coughs> क्या रिलेशन है बोलो वी बाई इज इक्वल टू है वी नॉट अपॉन वन थाउजेंड तो वी हो जाएगा इस कंडीशन में पॉइंट फाइव बोल्ट ये वैल्यू आ जाएगी वी नॉट की पॉइंट फाइव बोल्ट जब वी वाई की वैल्यू क्या होगी स्लाइडली ग्रेटर देन एन इक्वल टू तो होगी पॉइंट फाइव मिली बोल्ट इतनी बात समझ में आ गई अब इस कंडीशन में अगर आप नोटिस करें तो यहां से v y की वैल्यू कितनी होगी 0.5 से स्लाइडली ग्रेटर हो गई कि जो v प्लस है उसकी वैल्यू जीरो से स्लाइडली हायर हो जाएगी और v माइनस तो जीरो पर ही है तो अब v डिफरेंस क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो यानी कि जो v नॉट वन है वो स्विच कर जाएगा कहां पर प्लस v सेट पर v नॉट वन क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस v सेट हो जाएगा ओके अब जैसे ही वी नॉट वन प्लस वी सेट हुआ हैंस जो वी नोट है उसकी वैल्यू क्या है माइनस वन बाई आर सी प्लस वी सेट इंटू डी टी तो वी नॉट की वैल्यू अब हो जाएगी माइनस वन अपॉन आरसी इन टू प्लस वी सेट इंटू इंटू वी सेट टाइम्स टी आ जाएगा नया रिलेशन <coughs> इतनी बात समझ में आ रही है आपको वी नॉट इक्वल टू हमने क्या लिखा पॉइंट अच्छा, कैसे बोल्ट मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिकनेक्ट करता हूं इसमें सर्किट के अंदर हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमने पहले समझे आउटपुट यहां पर जो उपाय ए वन है वो है पॉजिटिव फीडबैक उपाय ए टू है इंटीग्रेटर सर्किट ओके यानी कि जो एवन है उसका पॉसिबल आउटपुट हो सकता है प्लस माइनस वी सेट ए टू उपैम इंटीग्रेटर है तो उसका आउटपुट ये हो सकता है वी वाई की वैल्यू हमने सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल से ये फाइंड करी ओके okay? और अगर हम जी टी इज इक्वल टू जीरो पर सर्किट को नोटिस करते हैं तो हमने रियलाइज किया कैपेसिटर अनचार्ज है इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जीरो वोल्ट होगा क्लियर है दूसरी चीज अगर हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग नोड की वोल्टेज को देखें फॉर एवन जिससे कि हमको पता लग सकेगा कि वी नॉट वन प्लस वी सेट आएगा या माइनस वी सेट आएगा तो उसके लिए हम अगर वी माइनस इन्वर्टिंग नोड को नोटिस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या रहने वाली है जीरो वोल्ट हंड्रेड ओम रजिस्टेंस कनेक्टेड है आइडिया रुपएम है तो करेंट फ्लो होगा नहीं अब बात करें नॉन इन्वर्टिंग नोड की तो सिंपल हमने करंट वोल्टेज एडिशन से के वी एल कर्चा वोल्टेज लॉ से आइडेंटिफाई किया कि माइनस बी एक्स प्लस वी वाई मिलकर बना रहे हैं वी एट नॉन इन्वर्टिंग माइनस बी एक्स प्लस वी वाई ट इज कॉल्ड वॉट नॉन इनवर्टिंग नोड वोल्टेज क्लियर क्या बोलेंगे इसको नॉन इनवर्टिंग नोड वोल्टेज अब टीवल टू जीरो पर वी नॉट की वैल्यू जीरो पर यह तो जीरो ही रहेगा वी प्लस को रियलाइज किया तो यह कितना आ गया माइनस पॉइंट फाइव प्लस जीरो आ गया माइनस पॉइंट फाइव यानी कि डिफरेंस हो गया नेगेटिव मीनस वी नॉट वन हो गया माइनस बी सेट क्लियर है t इज इक्वल टू जीरो पर आउटपुट की वैल्यू कितनी है जीरो वोल्ट है अब जैसे ही ये डिफरेंस नेगेटिव हुआ v नॉट वन हो जाएगा माइनस वी सेट तो जो आउटपुट है वो एक पॉजिटिव रैंप यहां पर जनरेट हो जाएगा अगर मैं यहां पर ग्राफ लिखना चाहूं ना आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव रैंप यहां पर जनरेट होगा ये वी नॉट का ग्राफ हो गया टीवल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है जीरो है अब जैसे टी की वैल्यू बढ़ रही है प्लस वी सेट इसका इसका स्लोप है। ये इसका स्लोप है है ये और नॉट इस तरह से राइज कर रहा है अब हमने यहां पर क्या नोटिस किया कि जैसे ही टी बढ़ेगा तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है बिल्कुल अच्छा वी नॉट की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब है वी गा वी वाई भी बढ़ेगा गामा नहीं है वी वाई भी बढ़ेगा क्योंकि ये रिलेशन है नॉट not वन थाउजेंड अच्छा वी बाई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या हम बोल सकते हैं वी एट नॉन इन्वर्टिंग node भी बढ़ेगा Exactly. तो नॉन इन्वर्टिंग node का वोल्टेज अगर बढ़ेगा इसका मतलब है अगर ये वोल्टेज कितना हो गया जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो गया और वो कब होगा जब वी बाई थोड़ा सा पॉइंट फाइव मिली बोल्ट से ज्यादा हो जाए या हम एग्जैक्टली exactly बोले कि जब यह पॉइंट फाइव मिली हो जाएगा वी तो वो वर्ज जा आ जाएगा जिस पर डिफरेंस क्या होता है जीरो तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा 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 यानी कि यहां पर कहीं आउटपुट वोल्टेज पॉइंट फाइव बोल्ट ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा दोस्तों जब सपोज हमने बोल दिया कि टी इक्वल टू टी वन पर ऐसा होगा पॉइंट फाइव बोल्ट आउटपुट गया ओके अब आपने देखा कि ये पॉजिटिव हो चुका है सपोज से से इतना है, से है ये तो डेफिनेटली exactly तो हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस पॉजिटिव हो गया तो वी नॉट वन की वैल्यू हो चुकी है प्लस वी सेट अब जरा ध्यान से समझिएगा अगर वी नॉट वन प्लस वी सेट हो गया इसका मतलब है कि आउटपुट अब आएगा नेगेटिव स्लोप यानी कि अगर हम इस ग्राफ को कंप्लीट करें यहां से तो हम बोल सकते हैं कि अब इसके अंदर नेगेटिव स्लोप इस तरह से आएगा कितना नेगेटिव स्लोप आ रहा है बोलो माइनस वी सेट अपॉन आर सी यही स्लोप आएगा यहां पर भी माइनस वी सेट अपॉन आर सी अब आप एक चीज समझिएगा जब ये नेगेटिव स्लोप आएगा आएगा यहां पर तो क्या होगा देखो अब अगर हम टी की वैल्यू को बढ़ाएं टी की वैल्यू को बढ़ाएं तो वी नॉट क्या होगा यहां पर बोलो डिक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है समझिएगा ध्यान से टी इंक्रीज किया तो V नॉट डिक्रीज हुआ V नॉट डिक्रीज हुआ तो V Y भी क्या हुआ डिक्रीज हुआ अच्छा V Y डिक्रीज होगा तो V नॉट की वैल्यू भी क्या होगी सॉरी V नॉन इन्वर्टिंग की वैल्यू क्या होगी वो भी डिक्रीज होगी अगर V Y डिक्रीज होगा V Y डिक्रीज होगा तो V नॉन इन्वर्टिंग डिक्रीज होगा ये तो कॉन्स्टेंट है जैसे ही ये डिक्रीज होगा अब डिक्रीज होते होते अगर इसकी वैल्यू इफ अब ये डिक्रीज हो रहा है वी वाई की वैल्यू इफ वी नॉन इन्वर्टिंग बिकम्स स्लाइडली लेस देन जीरो तो उस कंडीशन में आप एक चीज बोल सकते हैं वी नॉट ये तो जीरो है तो डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा लेस देन जीरो यानी कि वी नॉट वन फिर से हो जाएगा माइनस वी सेट यानी कि फिर से v नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी प्लस वन अपॉन आर सी इन वी सेट इन टी और पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं यहां से कि जब ये जस्ट इक्वल टू जीरो होगा उस कंडीशन में वी वाई कितना होगा पॉइंट फाइव मिली बोल्ट होगा वी वाई कितना होगा पॉइंट फाइव मिली बोल्ट होगा तभी ये जीरो होगा तो इस कंडीशन में जो नॉट है वो कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव बोल्ट हो जाएगा ओके okay? यानी कि वी नॉट की वैल्यू फिर से क्या आ गई पॉइंट फाइव बोल्ट आ गई अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन का कंप्लीट जो क्रक्स है वो समझिएगा बात यह है सबसे पहले हमने देखा कि यहां से जब आपने इसको स्टार्ट किया सर्किट को सर्किट को आपने स्टार्ट किया तो आपने क्या नोटिस किया कि जो वी नॉट हमने माना जीरो है नॉट जीरो मतलब यहाँ का वोल्टेज जीरो है मतलब यहां पर माइनस वी एक्स मैं सर्किट से इस चीज को आपको रिलेट कर रहा हूं जिससे जो पूरा डिस्कशन है उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे और आंसर कर इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही अकेले को एक कंप्लीट सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो इनिशियली इट्स अ गुड क्वेश्चन सो दैट इट मेक कंफ्यूज यू ओके बट वंस यू विल अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली एवरीथिंग बिकम क्लियर इट्स अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली आंसर इसका हम निकाल सकते हैं लेकिन

तो यहां पर वी वाई भी जीरो है, मतलब यहां पर क्या है माइनस वी एक है मतलब वी प्लस क्या होगा माइनस पॉइंट होगा अच्छा वी तो जीरो, तो जीरो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप डिफरेंस देन जीरो तो यहां पर क्या आएगा माइनस बी सेट आएगा जस्ट सुनिएगा आपको नहीं लिखना है माइनस बी सेट आएगा तो यहां पर वी नोट आएगा बन अपन RC टाइम्स प्लस वी सेट इंटू टी अब समय तो आगे बढ़ेगा अपनी गति से तो टी जैसे इंक्रीज हुआ तो अब वी नोट की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई तो वीवाई की वैल्यू भी बढ़ी अच्छा वी वाई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहां पर जो वी प्लस है वो भी तो बढ़ेगा अरे यहां का वैल्यू बढ़ेगा वी प्लस क्या है माइनस वी एक्स प्लस वी वाई है तो वी प्लस भी बढ़ेगा अच्छा वी प्लस का भी बहुत बुरा हाल था माइनस पॉइंट फाइव बोल्ट है मिली बोल्ट जो मिली बोल्ट है ना इतने पता है मिली पे था ये, अब ये बढ़ना शुरू हुआ तो जैसे ही वी प्लस जीरो मतलब वी प्लस जैसे ही जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हुआ बहुत कम जरा सा ज्यादा हुआ तो डिफरेंस हो गया पॉजिटिव जैसे डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो जो वी नॉट वन है उसकी वैल्यू स्विच कर गई प्लस वी सेट पर दोस्तों v0 नॉट जैसे प्लस वी सेट पर स्विच करेगा आउटपुट हो जाएगा माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ प्लस वी सेट टी। कि अब का स्लोप जाएगा, नेगेटिव। पहले स्लोप क्या था पॉजिटिव फिर स्लोप क्या हुआ नेगेटिव जब ये नेगेटिव स्लोप पर टर्न करेगा उस समय आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी v0 नॉट वी प्लस की वैल्यू कितनी है? जीरो मतलब वी वाई कितना होगा पॉइंट फाइव मिली ये जीरो कब होगा जब ये पॉइंट फाइव मिली होगा करेक्ट है क्योंकि माइनस -vx यहाँ पर है 0.5 मिलीवोल्ट तो ये 0.5 मिलीवोल्ट होगा मतलब v0 की वैल्यू 0.5 वोल्ट होगी सो so, दोस्तों so, जैसे ही v0 की वैल्यू 0.5 वोल्ट आती है कहानी में ट्विस्ट आता है स्लोप हो जाता है नेगेटिव अब जैसे ही स्लोप नेगेटिव हुआ तो अब ये डिक्रीज होना शुरू हुआ जैसे ये डिक्रीज होगा तो फिर से डिफरेंस यहां पर वी प्लस की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है तो वी प्लस की वैल्यू कम होगी तो फिर से डिफरेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो हो जाएगा v not equal to minus v set हो जाएगा यानी कि नॉट इक्वल टू सेट तो दोस्तों अल्टीमेट स्टेट क्या बन रही है अल्टीमेट स्टेट बन रही है सेट इसकी वैल्यू इसकी हमेशा टेंडेंसी क्या है माइनस वी सेट हो जाना अगर ये माइनस वी सेट होगा तो ये वैल्यू प्लस पॉइंट फाइव पर स्टेडी स्टेट हो जाएगी पॉइंट फाइव बोल्ट इज़ द स्टेड स्टेड वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कॉन्सेप्चुअल वी नोट को जीरो रखा वी प्लस की वैल्यू माइनस पॉइंट फाइव वोल्ट आई डिफरेंस नेगेटिव आया माइनस वी सेट आउटपुट प्लस वी सेट अपन आर सी इंटू टी आया टी बढ़ाने पर वी नॉट बढ़ा वी नोट बढ़ते बढ़ते जैसे ही हुआ, 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 तो 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 हो गया। जैसे यह हुआ, तो यहां पर पॉजिटिव हुआ, तो यह स्विच कर गया, गया, गया। जैसे हुआ, हुआ, तो यह नेगेटिव हो गया। हो गया। हुआ, तो हो हो अब होना शुरू फिर से को इसने नेगेटिव कर दिया मतलब फाइनल स्टेज अगर आप देखें तो डिफरेंस नेगेटिव ही होगा ओके क्योंकि वही स्टेट ऐसी है, जो फाइनली यहां पर ऑप्टेन होने वाली है क्योंकि अल्टीमेटली जब भी स्लोप पॉजिटिव आएगा उसको नेगेटिव करने के लिए यहां पर वी वाई अकॉर्डिंगली जनरेट हो जाएगा क्लियर है तो स्टडी स्टेट वैल्यू क्या आ जाएगी आउटपुट की पॉइंट फाइव बोल्ट आ जाएगी तो यहां तक हमने लिख लिया था वी नॉट इक्ल टू तो पॉइंट फाइव जनरेट हो गया वन सेकेंड अगर आप देखें तो वी नॉट की वैल्यू कितनी जनरेट होगी पॉइंट फाइव बोल्ट जनरेट हो गई तो आप बोल सकते हैं एट ए स्टडी स्टेट आउटपुट वीनोट इक्वल टू पॉइंट फाइव बोल्ट बात यह है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है पॉइंट फाइव बोल्ट पहुंच रही है फिर इवेंचुअली डिक्रीज हो रही है फिर सर्किट में कुछ ऐसा हो रहा है कि वापस से पॉइंट फाइव बोल्ट पे पहुंच रही है यानी कि स्टडी स्टेट वैल्यू जो है दैट इज वोल्ट बढ़ने पर इसकी टेंडेंसी पॉइंट फाइव बोल्ट पर पहुंचने की है और एक बार घटने शुरू हो जाए तो उसके बाद अगेन इसकी टेंडेंसी है पॉइंट फाइव बोल्ट को रीच करने की सो अल्टीमेट स्टडी स्टेट वैल्यू इज पॉइंट फाइव बोल्ट सो दैट्स ऑल फॉर द रिसेंट ट्रेंड सीरीज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ Some other new concepts. Thank you so much.